क्रिसमस के वाइब्स चारों तरफ है और अगर क्रिसमस पर केक ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। आप सभी का रश कैंटीन में हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा है कि इस केक में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख ताकि आप जब भी केक बनाए तब ये गड़बड़ ना करें। तो आज हम बनाएंगे सूजी का नॉर्मल केक, वो भी इडली के नॉर्मल कुकर में। ना हमें आटा, मैदा, बिस्किट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ एक कप यानी कि 240 ग्राम सूजी। ये बिल्कुल बारीक सूजी है, आप देख पा रहे हैं। और इसमें इसके साथ ऐड कर दूंगी मैं 1/4 कप दही। 1/4 कप दही, ये दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं है और फ्रिज का भी नहीं है, रूम टेम्परेचर का ही दही है ये। इसमें हल्का सा पानी में डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सूजी जो है दही में फूल जाए। दही तो सूजी में मिक्स हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2/3 कप दूध जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इसे हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, बैचेस में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने 3 बार में ये दूध पूरा ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए साइड में ढककर रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम जिस मोल्ड में अपना केक बनाएंगे वो मोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की कटोरियाँ ली हैं, सभी के घर में इस तरह की कटोरियाँ मिल ही जाती हैं, जिन्हें मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। नीचे की सरफेस पर मैं इस तरह से छोटा सा बटर पेपर लगा दे रही हूँ। तो चारों कटोरियों को हम इसी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इतनी देर में ये सूजी अच्छे से फूल गई है और अब हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में। हमें इसे पीसना है ताकि वो एकदम स्मूथ वाला बैटर हमें मिल सके। तो मिक्सी के जार में इसको डाल दिया है मैंने। अच्छा, इसके साथ में ही मैं डाल दे रही हूँ शक्कर। तो यहाँ पर मैंने 120 ग्राम शक्कर लिया है, सूजी की बिल्कुल आधी। तो शक्कर मैंने इसमें डाल दी है और अब इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची। तो इलायची के दाने ऐसे ही निकाल के मैं जस्ट डाल दे रही हूँ। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप इलायची स्किप कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से पीस लेंगे हम। तो आप देख पा रहे हैं इसकी थिकनेस अभी इतनी है, अभी ये और भी गाढ़ा होगा क्योंकि हम इसमें दूसरे इन्ग्रीडियंट्स भी मिलाएंगे। 20 ml के लगभग डाल रही हूँ मैं रिफाइंड ऑयल, ये नॉन फ्लेवर्ड है। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं एक बड़ा चम्मच डाल दे रही हूँ मैं बटर, ये रूम टेम्परेचर पर है बटर, ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। इस केक को और भी टेम्पटिंग और डिलीशियस बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टूटी फ्रूटी का। तो एक बड़ी चम्मच लाल वाली टूटी फ्रूटी, एक बड़ी चम्मच ग्रीन वाली और एक बड़ी चम्मच येल्लो वाली, ये तीनों कलर की हमने डाल दी है। एक बड़ी चम्मच डाल रही हूँ काजू कटे हुए, एक बड़ी चम्मच बादाम कटे हुए और एक बड़ी चम्मच ये चेरी जिसे मैंने काट कर डाल दिया है। ये है जायफल जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, तो ये हमें जायफल का पाउडर मिल गया है, ये हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच। और ये है दालचीनी का पाउडर, ये भी हम 1/4 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल देंगे। इससे बिल्कुल बाजार वाला केक का टेस्ट आएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हल्के हाथों से मिला देंगे। अब इसका कलर चेंज करने के लिए मैं यह यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर। और इसी बीच में हम कुकर भी तैयार कर लेंगे। तो ये इडली का कुकर जिसमें मैंने नमक फैला दिया है, ये नमक बार बार यूज़ करने से ब्राउन हो गया है और इसकी लिड लगाकर हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे प्रीहीट कर लेंगे। तो अब बैटर को एक बार चलाकर इसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा। इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे सॉफ्टली चारों तरफ से मिला देंगे।
बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ग्रीस की हुई कटोरियों में ये जेंटली थोड़ा थोड़ा पोर करते जाएंगे। कटोरियाँ ऊपर तक नहीं भरनी है, नहीं तो जब ये फूलेंगी इन्हें फूलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ टूटी फ्रूटी, कलरफुल टूटी फ्रूटी से। काजू किशमिश से भी गार्निश कर सकते हैं। बाकी की कटोरियों में भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब ये बेक होने के लिए तैयार हैं। अब इन कटोरियों को हम केयरफुली स्टैंड में रख देंगे, अच्छे से लेड लगा देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पर टाइम पूरा हो गया है, ये लीड हटा दी है मैंने। चलिए स्टिक टेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक टूथपिक मैंने इंसर्ट करके देखी है, ये बिल्कुल क्लीन आई है, यानी कि हमारा ये केक बनकर बढ़िया से तैयार हो गया। आपको इसे निकाल कर रख लेना है और ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं डिमोल्ड कर चुकी हूँ, ये देख पा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बेनिफिशियल लगे तो आगे से आगे शेयर कीजिए और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें वो भी फ्री में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो ये केक तो हमारा सॉफ्ट बन गया है। तो इसी तरह से आप क्रिसमस पर इंस्टेंट केक बना सकते हैं बिना किसी तामझाम के। आप देख पा रहे हैं अंदर से भी इसका टेक्सचर बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट है। तो अब आप ये सोचेंगे कि थंबनेल पे मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करना। तो इसका जवाब अब मैं देती हूँ। बात तो आप जानते ही हैं कि वीडियो को एडिट करके ही आप तक दिया जाता है। तो अब ये मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। मैंने इस केक को बनाने के लिए इडली कुकर का चुनाव किया था। अच्छा था ये चुनाव, बट इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि नमक और स्टैंड की दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बीरबल की खिचड़ी वाला हिसाब हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने ऊपर वाले स्टैंड में भी ये बैटर रखा था ग्रीस करके, बट उस तक हीट पहुंची ही नहीं। तो 30 मिनट के बाद जब मैंने उसकी लीड को हटाया तो ये ड्राई हो चुका था। फूल तो गया था ये देखिए, लेकिन उसका जो मॉइस्चर है वो उड़ गया था। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बेक करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करें, कढ़ाई कुकर, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखने से आपके केक बहुत ही यम्मी बनेंगे। तो देर किस बात की है, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।